लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ स्टडी की थी उस टॉपिक का नाम था स्टोइकोमेट्री। इसको हमने काफ़ी डिटेल में समझा था कि ये क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कितनी हेल्पफुल है। असल जो चीज़ हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा फोकस उसकी एप्लीकेशंस पे होना चाहिए कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो हमने स्टोइकोमेट्री की एप्लीकेशंस भी स्टडी की थी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशंस में, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे न्यूमेरिकल्स एट्सेट्रा सोल्व करने में, और हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि इसकी बेस थी उससे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती हैं उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करके अपनी कैलकुलेशंस करते थे। उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स की थी जिससे हमारा स्टोइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये आपको उसी सूरत में समझ आएगा अगर आपका स्टोइकोमेट्री के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है स्टोइकोमेट्री का उस पर आपकी पूरी पूरी कमांड होगी, उसी केस में आपको ये वाला टॉपिक आज का हमारा समझ आएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। कोई भी रिएक्शन है, सपोज ए प्लस बी दे फॉर्म अ प्रोडक्ट सी, ए एंड बी जो हैं दीज आर रिएक्टेंट्स एंड सी जो चीज़ है ये हमारी प्रोडक्ट है। आपने क्या किया, आपने ए और बी दो चीज़ें मिलाई और आपके पास सी बन गया जो कि रिएक्टेंट्स मिले और प्रोडक्ट्स बन गई। इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिले और प्रोडक्ट बन गई, लेकिन सपोज कर लेते हैं हम कि हमने 100 ग्राम्स ए डाला 100 ग्राम्स ही बी डाला, तो क्या आपके ख्याल में 200 ग्राम्स सी बनेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? मास बैलेंस तो कहता है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली जब हम एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है, समटाइम्स बाय प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, वो चीज़ जो साथ बन तो रही है लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझें कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास एक फील्ड है या ये एक बाग है मेरे पास जिसके अंदर मैंने सेब उगाने हैं, इट्स एन एप्पल गार्डन, सही है। मेरी फसल मेन क्या है, एप्पल। अब इसके अंदर अगर किसी वजह से कोई एक ऐसा दरख्त लग गया है किसी और फल का, फॉर एग्जांपल से मैंगो, जस्ट एन एग्जांपल, मैंगो का ट्री जो है मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट एप्पल है। मेरा फील्ड, मेरा खेत भी मेरा बाग भी क्या है, वो एप्पल का है, तो मैंगो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोडक्ट चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो या जितनी मर्जी यूजफुल हो, जैसे एक मैंगो है एप्पल से भी बेहतर हो सकता है इन सम सर्कमस्टांसेस, एप्पल जितना ही इम्पोर्टेंट एक फ्रूट है, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट एप्पल है। तो इस केस में ये क्या है, ये एक बाय प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज़ जो साथ बन रही है और हम उसको प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट बन रही है हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत दफ़ा केमिकल रिएक्शन में कुछ बाय प्रोडक्ट्स पैदा हो जाती हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा रिएक्शन वो हो जिसमें बाय प्रोडक्ट्स कम से कम बने। और बहुत दफ़ा क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है स्पीड ऑफ द रिएक्शन या फिर रेट, जिसको हम कहते हैं कि रिएक्शन किस रेट के ऊपर मूव कर रहा है, किस स्पीड से रिएक्शन मूव कर रहा है। बहुत दफ़ा हमें रिएक्शन तेज चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्पीड में बने, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए या बी दोनों में से कोई एक चीज़ हमें
ज्यादा देनी पड़ती है ताकि वो चीज जल्दी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि बर्निंग, बर्निंग एक प्रोसेस है, बर्निंग किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन इज फ्यूल, जिस चीज ने जलना है। नंबर टू इज हीट, जिस चीज ने शोला जिसको हम कहते हैं, अगर आपके पास गैस है किसी और पेट्रोल है और आपके पास जलाने के लिए शोला नहीं है तो वो चीज कभी भी नहीं जलेगी। और थर्ड चीज इसमें होती है ऑक्सीजन, किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर नहीं मौजूद तो बर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब सपोज करते हैं जी ए को मैं बर्न कर रहा हूँ, ऑक्सीजन मैंने देनी है और मेरे पास कोई प्रोडक्ट सी बन रही है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ए जो है वो जल्दी जल्दी बर्न हो जाए, तो मैं ऑक्सीजन की लिमिटेड क्वांटिटी नहीं रखूंगा, मैं ऑक्सीजन एक्सेस में दे दूंगा। एक्सेस ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि इस क्वांटिटी के ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। मेरी कोशिश ये होगी कि ए जो मेरा फ्यूल है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाए, कुछ बचे ना, सारा का सारा जल जाए और उसमें से जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो वो उसी सूरत में होगी अगर मैं ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में दूंगा। उसका फायदा क्या होगा? नंबर वन स्पीड मेरी बढ़ जाएगी, मेरा रिएक्शन तेज हो जाएगा। और नंबर टू ऑल ऑफ द एक्सपेंसिव, या फिर वो एक्सपेंसिव हो सकता है या वो वैल्यूएबल हो सकता है हमारे लिए, वैल्यूएबल रिएक्टेंट इज यूज्ड। हमारे पास दो फायदे हो गए, एक तो रिएक्शन हमारा तेज हो गया और दूसरा क्या हुआ कि हमारा जितना भी वैल्यूएबल मटेरियल था जो ए, जिसको मैं फ्यूल कह रहा हूँ इस केस में, वो क्या हुआ, वो सारा का सारा यूज हो गया। तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। अब आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जैक्टली डेफिनेशन की तरफ। लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, इसकी हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं जी कार बॉडी टायर्स मिलके क्या बनाते हैं, कार। अब एक जो कार बननी है उसमें कार की बॉडी कितनी लगनी है, कार बॉडी वन कार बॉडी, और टायर कितने लगने हैं, फोर टायर। ठीक है, हमें एक कार बनाने के लिए चार टायर्स की जरूरत है और एक कार बॉडी की जरूरत है। अगर हमारे पास एक कार की बॉडी है और चार टायर मौजूद हैं तो हम एक कार बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम देखते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे हमें पता चलेगा। सपोज करता हूं मैं कि मेरे पास जो रॉ मटेरियल मेरे पास फैक्ट्री में मौजूद है वो कितना है, वो है जी एट मेरे पास कार बॉडीज हैं और 40 मेरे पास टायर हैं। तो मैं कितनी कार बना सकता हूं, 8 कार बॉडीज, कार बॉडीज प्लस, अब 8 कार बॉडीज को कितने टायर चाहिए बनाने के लिए, एक को चार चाहिए तो 8 को 8 फोर 32 टायर चाहिए हमें। तो मेरे पास कितनी बनेगी, 8 कार बन जाएंगी। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है कि 8 कार बॉडीज थी मेरे पास, मेरे पास रॉ मटेरियल रिएक्टेंट्स है ना, ये मेरे रिएक्टेंट्स है, मेरे पास 40 टायर थे और 8 कार की बॉडीज थी। तो अब मेरी प्रोडक्ट कितनी बन सकती है, मेरे पास 8 जो हैं वो गाड़ियां बन जाएंगी। अब जब 8 गाड़ियां मेरे पास बना ली तो मेरे पास कार बॉडीज कितनी बची, 0 कार बॉडीज, जो सारी की सारी यूज हो गई। और मेरे पास टायर्स कितने बचे, टोटल मेरे पास थे 40, 32 मैंने इस्तेमाल करके गाड़ियां बना ली तो मेरे पास
आठ टायर्स बचे गए, ये एट टायर्स जो उनसे हैं इनको मैं कहूँगा एट टायर्स इन एक्सेस है मेरे पास, मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं आठ, सही है। तो यहाँ से लिमिटिंग रिएक्टेंट अब इनमें से कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है वो चीज़ जो आपकी प्रोडक्ट को लिमिट कर रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बननी बंद हो गई है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बननी बंद हो गई है। किसकी वजह से बंद हुई है? मेरे पास तो भी आठ टायर और मौजूद थे, तो मैं तो भी इससे गाड़ियां और बना सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं बना सका दो गाड़ियां? क्यों? क्योंकि कार की बॉडीज मेरे पास खत्म हो गई है। तो ये जो कार की बॉडीज थी, ये इस रिएक्शन में हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था, इसकी वजह, इसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट डिपेंड कर रही थी। जब भी कोई भी रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी ऑन सी, तो दोनों में से, दोनों रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो कि लीस्ट प्रोडक्ट बना रहा होता है। लीस्ट प्रोडक्ट, और इसका क्या मतलब है? आठ कार बॉडीज थी ना, ये मैक्सिमम कितनी गाड़ियां बना सकती थी? आठ। मेरे पास 40 टायर्स थे, ये मैक्सिमम कितनी कार बना सकते थे? अगर मेरे पास ये एक्सेस में होती तो आठ कार बॉडीज थी, मैं टायर अगर एक्सेस में होते तो आठ कार बॉडीज बन सकती थी, ठीक है। 40 टायर्स हैं, अगर कार बॉडीज एक्सेस में होती तो एक को चार चाहिए तो मेरे पास 10 गाड़ियां बन सकती थी, सही है। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो गाड़ियां कितनी बनेंगी? आठ कार बनेंगी। अभी हमने पीछे रिएक्शन देखा, अब 40 टायर जो थे वो 10 गाड़ियां बना सकते थे, आठ कार जो कार बॉडीज होती थी आठ गाड़ियां बना सकती हैं। तो इन दोनों रिएक्टेंट्स में से लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो सबसे कम प्रोडक्ट बना रहा है। सबसे कम प्रोडक्ट इससे बनती है, तो ये कार बॉडीज हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो, कार बॉडीज और टायर्स में से हमारी जो प्रोडक्ट है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है कार बॉडीज के ऊपर। तो कार, इसकी अमाउंट आठ कौन डिसाइड कर रहा है? कार बॉडीज डिसाइड कर रही है, क्योंकि टायर्स तो मेरे पास ज्यादा है। तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो रिएक्टेंट जो किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करेगा, वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसी से मिलती जुलती एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दी हुई है। वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल है सैंडविचेस। प्लस कबाब्स और ब्रेड, ये तीन टोटल चीज़ें उसने इस्तेमाल की हैं इस रिएक्शन में। कबाब और ब्रेड को अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास सैंडविचेस बनते हैं। अब वो एग्जांपल क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी मेरे पास 30 कबाब्स हैं और 5 ब्रेड्स हैं। 30 कबाब्स और 5 ब्रेड्स। अब अगर 5 ब्रेड्स की मैं स्लाइसेस करूं तो ये 58 स्लाइसेस बनती। अब आपको पता है कि सैंडविच कैसे बनता है? दो आप ब्रेड लेते हैं और उसके दरमियान में आपकी एक कबाब होता है, ये आपका कबाब है और ये आपकी स्लाइसेस हैं। अब 58 स्लाइसेस से मैक्सिमम कबाब कितने बन सकते हैं? दो स्लाइसेस से एक, तो 58 से मैं बना सकता हूँ 29, ठीक हो गया। 30 कबाब से कितने सैंडविचेस बन सकते हैं? एक सैंडविच में एक कबाब लगता है तो 30। अब 58 स्लाइसेस हैं और 30 कबाब हैं, तो कंप्लीट सैंडविचेस कितने बनेंगे? 30 तो नहीं बन सकते, 29 बनेंगे। ये हमारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, 29 सैंडविचेस हम बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर मुझे 30 पूरे करने हैं तो मुझे एक और ब्रेड लेनी पड़ेगी। अब एक ब्रेड के दो स्लाइसेस लेने के लिए, मतलब एक सैंडविच के दो स्लाइसेस लेने के लिए मैं पूरी एक ब्रेड तो नहीं खरीदूंगा,
तो इससे पता चला कि सैंडविचेस की जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है हमारे नंबर ऑफ ब्रेड्स के ऊपर और नंबर ऑफ स्लाइसेस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कबाब ज्यादा हैं। अभी यही बात हम पुरानी वाली इस पे कंट्रोल करते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सैंडविचेस जो कि हमारी प्रोडक्ट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है या स्लाइसेस कंट्रोल कर रहे हैं। ये 30 बना सकता है और ये 29, तो रिएक्शन को लिमिट कौन लगा रहा है, किसके खत्म होने पे रिएक्शन रुक जाएगा, स्लाइसिस के खत्म होने पे रिएक्शन रुकेगा, तो स्लाइसिस हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये एक दो एग्जांपल से हमने इसकी डेफिनेशन मजीद क्लियर कर ली कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेशंस की तरफ कि अगर हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है तो हम उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। उसका कुछ उसके उसी तरह स्टेप वाइज कुछ तरीके हैं। वो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो चीज़ आपको गिवन है, केमिकल इक्वेशन तो गिवन होगी, आपने उनके जो उनसे मैसेज गिवन है उनको आपने मोल्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, मोल्स में कन्वर्ट करना है फ्रॉम मैसेज। जो आपको मैसेज गिवन है उसको उसको आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देना। फिर आपने उसी तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करके इक्वेशन में कंपेयर करना है, आपने कंपैरिजन करके कंपैरिजन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपने क्या करना है, आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इक्वेशन के अंदर बैलेंस करके जिसका मास गिवन है, जिसका मोल्स गिवन थे और दूसरे के मोल्स हमने निकाल लेने हैं जैसे हम स्टोइकोमेट्री में करते थे। एंड पे हमने ये फाइंड आउट कर लेना है कि भाई दोनों में से लीस्ट प्रोडक्ट किसने बनाई है। इसको देखें, ए प्लस बी फॉर्म सी। मुझे ए के 100 ग्राम्स और बी के भी 100 ग्राम्स गिवन थे, मैंने सबसे पहले इनको क्या करना है, इनके मोल्स में कन्वर्ट करना है, मोल्स और मोल्स। फिर मैं अपनी इक्वेशन से, ये जो मेरे पास केमिकल इक्वेशन है, इससे मैं पहले ए को कंपेयर करूंगा बी के साथ कि अगर ए इतना हो तो सी कितना बनेगा प्रोडक्ट, और फिर मैं बी को कंपेयर करूंगा प्रोडक्ट के साथ कि बी कितना हो तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी। इसी तरीके से फिर मैं दोनों का निकाल लूंगा कि ए से सी कितना बन गया और बी से सी कितना बन गया। जो सबसे कम बनेगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर ए का 100 ग्राम सपोज कर लें कि 15 ग्राम प्रोडक्ट बना रहा है और बी का 100 ग्राम 40 ग्राम प्रोडक्ट बना रहा है, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है जो कि सबसे कम प्रोडक्ट बना रहा है, वो होगा ए। अगर ए से 15 ग्राम थी और बी से 40 ग्राम थी तो ए हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल की मदद से मजीद इसको समझेंगे। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इसको फर्दर समझ लेते हैं। आपकी बुक ही की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13। सबसे पहले इसकी हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कह रहा है जी, NH3 जो कि अमोनिया का फॉर्मूला है, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स। कौन कौन से सॉलिड्स हैं जी, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को वो कह रहा है अगर आप मिलाएं तो आपके पास अमोनिया बन जाती है। इसकी पूरी केमिकल इक्वेशन वो भी आपको गिवन है, वो मैं लिख रहा हूँ। NH4Cl के दो मोल्स
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मोल आपस में मिलें तो कैल्शियम क्लोराइड 2 मोल्स NH3 अमोनिया और 2 मोल्स वाटर के बनते हैं। वो कह रहे जी इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, 100 ग्राम NH4Cl का और 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कह रहे हैं, अगर हमने डिजोल्व करवाया है मिक्स करके आपस में रिएक्ट करवाया है तो नंबर ए क्या बनेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 जो के बनेंगे ये आपने फाइंड करने हैं, और बी पे आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट। Excess amount of reagent left over, ठीक है जी। अब अभी हमने जो limiting reactant में पढ़ा है, हमने देखा है कि जब भी दो reactant react करके कोई product बनाते हैं उनमें से एक ऐसा होता है जो कम product बनाता है और एक ज्यादा बना सकता है, तो जो कम बना रहा होता है वो limiting reactant होता है क्योंकि उसके ऊपर product depend कर रही होती है। इसी तरह इन दोनों में से कोई एक limiting reactant होगा तो वो हमने फाइंड करना है। वो इसको पहले हम समझ लेते हैं, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम देखेंगे कि 100 ग्राम NH4Cl कितनी अमोनिया बना सकती है इस इक्वेशन को देखते हुए, फिर हम फाइंड करेंगे 100 ग्राम CaOH2 कितनी अमोनिया बना सकती है, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे और जो सबसे कम अमोनिया बना रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और उतनी अमोनिया एक्चुअली बनेगी, और जो दूसरे वाला होगा वो हमारा एक्सेस में होगा और उस एक्सेस की हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि वो कितना यूज हो गया है और कितना बच गया है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अभी हमने स्टेप्स पढ़े थे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि गिवन मैसेज को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले इनके मोल्स बनाएंगे, मोल्स ऑफ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ NH4Cl। मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मोलर मास में इसका यहां पे निकाल रहा हूं, मोलर मास किसका, NH4Cl का, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड का। अब नाइट्रोजन होती है 14, हाइड्रोजन होती है 1, 4 की 4 टाइम्स हो जाएगी, और क्लोरीन होती है 35.5, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 53.5। इस फॉर्मूला में मैं पुट कर रहा हूँ, मैं समय गिवन है 100 ग्राम्स और मोलर मास हमने निकाल लिया 53.5, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 1.87 मोल्स किसके, अमोनियम क्लोराइड के। इसी तरह अब हम CaOH होल ट्वाइस के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उसी तरह मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास कितना है 100 ग्राम्स, मोलर मास कितना है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, कैल्शियम इज 40, OH 16 प्लस हाइड्रोजन 1 और ट्वाइस, तो इस सब को अगर आप जमा करें 17 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ 34 और 40 74, तो इसको मैं 74 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.35 मोल्स। अब 1.35 मोल्स। अब मैं केमिकल रिएक्शन को यूज करते हुए आंसर की तरफ जाएंगे। अब हम जाते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की तरफ, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे कि NH4Cl कितना इस्तेमाल हो तो अमोनिया कितनी बनेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखें 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के रिएक्ट करके बना रहे हैं, 2 मोल्स अमोनिया के, तो अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे यहाँ पे
NH4 Cl और NH3 2 मोल्स इसके रिएक्शन की हमें बता रहा है कि अगर 2 मोल NH4 Cl हो तो 2 मोल NH3 बनेंगे, 1 हो तो 1, लेकिन हमारे पास NH4 Cl के कितने हैं वो भी हमने निकाले हैं पीछे, वो हैं 1.87, तो अगर 1.87 NH4 Cl हो तो अमोनिया कितनी बनेगी, 1.87, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए अमोनिया के। अब इसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे अब CaOH होल ट्वाइस को NH3 के साथ और फिर आंसर देखेंगे क्या आता है, और जिसका आंसर छोटा होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब हम कंपेयर करते हैं CaOH होल ट्वाइस को NH3 के साथ, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4 Cl। हम वापस जाएंगे अपनी इक्वेशन की तरफ, बल्कि ये अमोनिया के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि हमारी प्रोडक्ट अमोनिया है। हम जाते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ, ये इक्वेशन है, अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। एक मोल है इसका, यहाँ पे कोई नहीं है तो इसका मतलब है एक है, एक मोल CaOH होल ट्वाइस का कितने मोल बना रहा है, 2 मोल बना रहा है अमोनिया के, 1:2, एक मोल इसका इसके 2 मोल बना रहा है, तो 1.35 मोल्स जो कि हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने उसके मोल्स निकाले थे, 1.35 मोल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो वो कितने अमोनिया बना रहा होगा, वो बना रहा होगा 2 × 1.35, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 2.70। अब हमने अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लेना है, हमारे पास 100 ग्राम्स NH4Cl था और 100 ग्राम्स CaOH होल ट्वाइस, इससे जो अमोनिया बनी है वो कितनी है, वो है 1.87 मोल्स, और इससे जो अमोनिया बनी है वो कितनी है, 2.70 मोल्स। अब दोनों के 100 ग्राम, इसका 100 ग्राम इतनी बना सकता है, इसका 100 ग्राम इतनी बना सकता है, लेकिन हमारे पास ये दोनों 100-100 ग्राम में मौजूद थे, तो बनेगी कितनी, जो सबसे कम है ये वाली क्वांटिटी बेसिकली असल में बन रही है। अगर मेरे पास 100 ग्राम NH4Cl हो और ये एक्सेस में हो तो इतनी बनेगी, अगर मेरे पास 100 ग्राम CaOH होल ट्वाइस हो और ये एक्सेस में हो तो इतनी बनेगी, लेकिन इन दोनों में से एक्सेस में फिलहाल कोई नहीं है, दोनों के 100-100 ग्राम है, तो इक्वेशन से हमें पता चला कि इतनी जमती है एक्चुअली बनेगी, जब इतनी बन जाएगी तो फिर ये चीज़ सारी की सारी खत्म हो जाएगी, ये चीज़ एक्सेस में मौजूद रहेगी, तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ, जो रिएक्शन की प्रोडक्ट को लिमिट लगा रहा है, वो हुआ NH4Cl, और हमारा एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा हुआ जो कि एक्सेस में मौजूद है, वो है CaOH होल ट्वाइस। ये तो हमने निकाल लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, लेकिन हमसे मांगा क्या हुआ है, हमारा आंसर तो नहीं निकला अभी, हमसे मांगा है जी कि अमोनिया कितने ग्राम पैदा होगी, हमारे पास अमोनिया के ग्राम चाहिए और हमारे पास मोल्स उसके निकल आए हुए हैं, मोल से हम ये एक आंसर हमारे पास निकल आया हुआ है, इस आंसर को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ ग्राम्स निकाल लेंगे, मोल्स हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मोल्स का फॉर्मूला यूज होगा, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब मोल हमारे पास गिवन है, मोलर मास हम निकाल लेंगे अमोनिया का और मास हमारे पास निकल आएगा, मास इज इक्वल टू मोलर मास जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, मोल्स के साथ। अब मैं अमोनिया का यहाँ पे मोलर मास निकाल रहा हूँ, अमोनिया का में नाइट्रोजन जो है इसमें 14, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाता है 17, मोलर मास निकल आया 17, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए 1.87, तो अब हमारे पास क्या होगा, ग्राम्स के अंदर अमोनिया की क्वांटिटी आ जाएगी जो कि हमसे मांगी गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा 37.179 ग्राम्स, ये क्या है,
मैथ ऑफ अमोनिया। ये हमारा एक आंसर आ गया कि इतना मैथ ऑफ अमोनिया जो है हमारे पास बनेगा अगर 100 ग्राम्स ऑफ NH4Cl और 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिले, तो इतने ग्राम्स 37.179 ग्राम्स ऑफ अमोनिया जो है वो हमारे पास तैयार होगी। ये हमारा हुआ है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो बता रहा है, वो पूछ रहा है कि एक्सेस जो क्वांटिटी थी, एक्सेस जो रिएक्टेंट था वो कितना बच गया है, उसकी बची हुई क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब बची हुई क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बी पार्ट, एक्सेस रिएजेंट हमने फाइंड करना है। एक्सेस रिएजेंट हमारा था CaOH2S, मतलब इसका जो 100 ग्राम हमने डाला था ये सारा का सारा यूज नहीं हुआ, कुछ तो यूज हो गया 37 ग्राम्स अमोनिया बनाने में, और जो बाकी का है वो कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे, NH4Cl का कंपेरिजन करेंगे CaOH2S के साथ, और देखेंगे कि ये कितना मिलके उतने ग्राम्स अमोनिया बना रहा है। इक्वेशन को अगर आप पीछे जाके देखें तो 2 मोल्स NH4Cl के थे और 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिलता था अमोनिया बनाने के लिए। केमिकल इक्वेशन से ये इन्फॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से आई। 1 के लिए कितना हो जाएगा 1/2, और अमोनिया इसके मोल्स कितने थे, इसके मोल्स थे 1.87, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.87, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.935। ये 0.935 क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, CaOH होल ट्वाइस के। ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो के यूज हुए हैं 1.87 ग्राम मोल्स अमोनिया बनाने में। हमारे पास अब हमने एक्सेस क्वांटिटी निकालनी है, ये वही बात हो गई जो हमने आगे की थी। एक्सेस कैसे निकलेगी, एक्सेस निकलेगी कि जो आपको गिवन क्वांटिटी थी उसमें से अगर मैं यूज्ड को माइनस कर दूं, जैसे हमने पीछे देखा था अपनी एग्जांपल में कि 40 टायर हमें गिवन थे लेकिन रिएक्शन में 32 लग गए, तो हमारे पास 8 टायर्स एक्सेस में जो थे वो बच गए थे। हमने कैसे निकाले थे कि हमें गिवन क्वांटिटी में से हमने यूज्ड को माइनस कर दिया था। गिवन हमारे पास कितने मोल्स थे इसके, इसके मोल्स थे 1.35 जो कि गिवन थे 100 ग्राम में से। उसमें से यूज कितने हुए हैं अमोनिया को बनाने के लिए, यूज हुए हैं ये जो भी हमने ऊपर निकाले हैं 0.935। 0.935 जो सा है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेस के हमारे पास 0.415 मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस जो उनसे हैं वो एक्सेस में हैं, वो बच गए हैं। अब उसने हमसे मोल्स तो नहीं मांगे, उसने कहा है जी नंबर ऑफ ग्राम्स में आपने बताना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे उसी तरीके से इसके मास के अंदर। उसी तरह मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, यही था मोल्स का फॉर्मूला है। मोल्स आपके पास गिवन है 0.415 और मोलर मास हमने इसका ऊपर कैलकुलेट किया था वो होता है 74 ग्राम्स, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30.71 ग्राम्स, ये हमारा आंसर है। अब इसका क्या मतलब है कि आपने 100 ग्राम्स यूज किया था इसका, जिसमें से 30.71 जो है वो एक्सेस में बच गया हमारे पास, और 69.3 जो है वो यूज हो गया है अमोनिया बनाने, तो इन दोनों को अगर मैं टोटल करूं तो वो 100 ही बनता है। तो ये हमारा आंसर है ये वाला कि एक्सेस जो आंसर है वो कितना हमारे पास CaOH2S बचा था, तो वो हमने इस तरीके से निकाला है। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं था लेकिन ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे आप वही सारे फार्मूला यूज हो रहे हैं, वही स्टोइकोमेट्री है जो हम बार बार करते आए हैं, उससे हम अपनी कैलकुलेशन में आसानी पैदा कर लेते हैं कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लग जाता है और जो एक लिमिटिंग है वो दूसरा उसका एक्सेस होगा, तो हम निकाल लेते हैं कि कितनी जो सी है चीज़ हमारी इस्तेमाल हुई है और कितनी हमारी बच गई है, और ये चीज़ जो सी है हमारे एक्सपेरिमेंट्स में और हमारे इंडस्ट्री में
बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आज हमने स्टडी किया है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में वो वाला रिएक्टेंट होगा जो हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा होगा, जिसके ऊपर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि कितनी प्रोडक्ट बननी है, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम हम जो आखिरी एक टॉपिक रह गया है फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ यील्ड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।